हेलो दोस्तों नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपकी और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं फीफा इंटरनेशनल क्वालिफायर का मैच पैरागवे वर्सेस चिले के बीच जो मैच होने वाला है उसके बारे में दोस्तों रिसेंटली चिले ने एक मुकाबला खेला है और बहुत ही बुरी तरीके से सामने वाली टीम को हराया जो बोलेविया थी वो ठीक है तो चिले यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है लेकिन दोस्तों पैराग्वे की बात करूं रिसेंटली दोस्तों कल ही उसने एक मुकाबला खेला है निकारगुआ के साथ वो उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है वो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है तो प्लेयर्स के स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे अगर टीम कंपेरिजन किया जाए तो चिल्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ठीक है और दोस्तों पैराग्वे के पास भी काफ़ी अच्छे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है तो वो कौन है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो वीडियो आपको पूरा देख लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट्स जानने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो फोन है वो रोटेट करना पड़ेगा ठीक है तो ये दोस्तों चीलिया का स्टेट है पिछले गेम का ठीक है सबसे लास्ट गेम का जो कल ही खेला गया था सबासन हरेरे की बात करूँ तो 23 मिनट खेला था जिसने 8.8 पॉइंट एट रिबाउंड फोर आसी स्कोर किया था और तीन स्टील किया था ठीक है और दोस्तों यहाँ पे एम पेरेस की बात करूँ ए फॉरवर्ड खेलता है बारह मिनट खेला था फ्रांको मोरालिस दोस्तों एक गार्ड है एक मेन गार्ड है ठीक है अठारह मिनट में दोस्तों उसने पंद्रह पॉइंट और दो रिबाउंड चार असिस्ट स्कोर किया था सबास्टियन सेन्द की बात करो तो 18 मिनट में उसने दोस्तों सिक्सटीन पॉइंट वन रिबाउंड और दोस्तों उसने वन स्टील किया था उसके बाद दोस्तों आगे और प्लेयर है निकोलास फेली के बारे में बात की जाए तो पंद्रह मिनट में उसने एट पॉइंट और बाकी का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दो रिबाउंड है दो असिस्ट है वन स्टील उसने किया था बाकी दोस्तों फेली पे हैसे है जो सिक्सटीन मिनट में तीन पॉइंट स्कोर किया था चार रिबाउंड लिया था और तीन आसिस्ट स्कोर किया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक्सवेल लोर का है जो आप देख सकते हो उन्नीस मिनट खेला था सात पॉइंट और दोस्तों उसने सात रिबाउंड भी लिया था वो बेकअप सेंटर खेलता है और वन स्टील और वन ब्लॉक उसने किया था दोस्तों इसला की बात करूँ तो इसला भी एक फॉरवर्ड खेलता है और काफी कम क्रेडिट का खिलाड़ी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर की बात करूँ एक बैकअप गार्ड है जो दोस्तों बीस मिनट में पंद्रह पॉइंट स्कोरिंग किया था छह आशीष स्कोर किया था सॉरी दोस्तों छ रिबाउंड लिया था और दो आशिष्ट स्कोर किया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकोलास कार्वाचु के बारे में बात की जाए तो सिर्फ बारह मिनट खेला है दोस्तों ए इस मैच में ग्रेंडली की बहुत ही अच्छी पिक है और बहुत ही कम लोग इसको लेने वाले हैं तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें मैन्यूअल सोरेज की बात करें तो ट्वेंटी वन मिनट में उसने दोस्तों तेरह पॉइंट स्कोर किया था और छह रिबाउंड लिया था और चार असिस्ट स्कोर किया था उसके बाद दोस्तों बाकी के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपके सामने है एक बार देख सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप और स्कोर का इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ड्रीम इलेवन की टीम अपडेट मिल जाएंगी और दोस्तों बात की जाए डब्ल्यू एन बी ए एन बी ए न्यूजीलैंड बास्केटबॉल फिबा क्वालिफायर सभी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा तो भाई लोग यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले वीडियो की डिसीजन में जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए नाम है फ्लेम स्पॉट दोस्तों ए रिकॉर्ड है पेराग्वे का ठीक है आप देख सकते हो दोस्तों कल ही उसका मुकाबला हुआ था मेरकाडो जो उसका दोस्तों स्मॉल फ्रॉर्ड खेलता है टेन मिनट वो खेला था चार पॉइंट उसने स्कोर किए थे और एक रिबाउंड लिया था ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेरे रोग के बारे में दो मिनट खेला था इसके बारे में हम नहीं जानेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विंसेंट जो है वो दोस्तों दस मिनट खेला था यानी कि टेन मिनट खेला था दो पॉइंट स्कोर किया था ये भी दोस्तों फॉरवर्ड खेलता है वन पॉइंट वन आसिस्ट और उसने दो स्टील किए थे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेब्रियल पेराल्टा ये उसका मेन खिलाड़ी है दोस्तों इस टीम का सेंटर खेलता है थर्टी वन मिनट में पंद्रह पॉइंट स्कोर किया था छह रिबाउंड लिया था और दोस्तों उसने वन स्टील किया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ब्रूनो जानोटी वो बहुत ही अच्छा दोस्तों पावर फॉरवर्ड सेंटर खेलता है बारह पॉइंट दोस्तों उसने पाँच ही बाउंड लिया था तीन आशी स्कोर किया था और उसने वन स्टील किया था सिर्फ बीस मिनट में उसके बाद थर्टी फाइव मिनट वाला दोस्तों रिवोरेस ठीक है दोस्तों रिवोरेस की की बात जाए तो 35 मिनट में उसने थर्टी रिबाउंड सात आसिस्ट वन स्टील किया था एक काफी बेस्ट परफॉर्मेंस है ठीक है ये दोस्तों उसका शूटिंग गार्ड है ये भी सबसे मेन खिलाड़ी है दोस्तों इस टीम का मेन खिलाड़ी दोस्तों सेंटर भी वो जो मैंने आपको बताया वो खेलता है लेकिन लीड करने वाला खिलाड़ी ये है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेराल्टा का पा से उन्नीस मिनट खेला था पाँच पॉइंट और पाँच ही बाउंड लिया था उसका दोस्तों फर्नांडो डोज ये भी एक दोस्तों पावरफुल सेंटर खेलने वाला मेन खिलाड़ी है वो दोस्तों चौदह मिनट सॉरी दोस्तों उसने ट्वेंटी सिक्स मिनट में चौदह पॉइंट रिबाउंड दो असिस्ट वन ब्लॉक वन स्टील किया था उसका दोस्तों एडोल्फो लोपेज है जो एक काफ़ी लो क्रेडिट का खिलाड़ी है ए भी फॉरवर्ड खेलता है रेमोन साचे दोस्तों पॉइंट गार्ड सेक्शन में इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा शायद इलेवन पॉइंट फाइव क्रेडिट का खिलाड़ी है ट्वेंटी एट मिनट में ग्यारह पॉइंट स्कोर किया था तीन रिबाउंड लिया था एक असिस्ट स्कोर किया था और उसने एक ब्लॉक किया था ठीक है तो आप देख सकते हो दोनों टीम का परफॉर्मेंस तो फ्रेंड्स अभी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करेंगे लेकिन दोस्तों आपने अभी तक यार हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग यार प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है बिल्कुल ही दोस्तों फ्री है डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी एक भी मैच आपको एक भी मैच आपको यानी कि दोस्तों मैच आपको मिस नहीं करना ठीक है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें बिल्कुल ही फ्री है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पीजी में यानी कि पॉइंट गार्ड सेक्शन में बात की जाए तो दोस्तों मॉरेज और एरियो और साचेज ये तीनों के तीनों दोस्तों बहुत ही अच्छी पिक है और बात की जाए स्टार्टिंग लाइनअप की तो दोस्तों मोरालेस आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिल जाएगा जाएंगा आपको बेंच से खेलता हुआ देखने को मिल जाएगा साचेज की बात करूँ तो ये भी आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिल जाएगा बाकी दोस्तों यहाँ पर रिवोरस आपको स्टार्ट करता हुआ देखने को मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पर जो एपडो स्टार्ट करता हुआ देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर जो आप पेराल्टा देख सकते हो ये आपको स्टार्ट

आप दोस्तों मोरालेस को भी ले सकते हो एपीएचपी के अच्छी ठीक है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा दोनों को किस तरह से लेना है उसके बाद दोस्तों अगर आपने एक खिलाड़ी को ट्राई करना है तो भाई क्योंकि दोस्तों इसमें स्टार प्लेयर और वाइस कैप्टन के, के लिए एक खिलाड़ी काफ़ी अच्छा है लेकिन दोस्तों चीले एक ऐसी टीम है जिसके दोस्तों स्टार प्लेयर वाइस कैप्टन आपको रखने चाहिए क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम को बुरी तरीके से हराने में सक्षम है इसी वजह से ठीक है तो हमें दोस्तों दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं एक कॉम्बिनेशन में रिवोरेस को रखना है दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं रखना ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हरेरा को लिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मर्काडो भी है पेरेस भी है इसला भी है तीनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के प्लेयर है उसके बाद दोस्तों एन कारवा की बात की जाए तो दोस्तों मैंने आपको बोल दिया था उलड़ी की एक ग्रेंड की पिक है बहुत ही बड़ी पिक है बहुत ही अच्छी पिक है उसके बाद दोस्तों एफ डोज है और जहनोती है दोनों के दोनों दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था लास्ट गेम में जहाँ एफ डोज ने थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेराल्टा अच्छा अच्छा प्लेयर है दोस्तों इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ सूरज को ले रहा हूँ मन्यूल सूरज को उसके बाद दोस्तों एस सूरज को भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मेरिकाडो को ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोरलस को ले रहा हूँ पंद्रह कड़े दोस्तों हमारे पास बचा है तो पंद्रह अकेड़े में तो भाई यहाँ पर आ जाएगा जेनोटी ठीक है जेनोटी भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों एक उब... एक प्रिव्यू हो गया ठीक है दूसरा पी यू अगर हमें एफ डोज को ट्राई करना है तो मेकाडो को निकलना पड़ेगा लोपेस को लेना पड़ेगा उसके बाद सोरेज को निकलना पड़ेगा हैसे को लेना पड़ेगा फिर दोस्तों आप ले सकते हो एफ डोज को तो ये रहा दोस्तों एफ डोज वाला ठीक है अभी दोस्तों आपको ट्राई करना है यहाँ पे जो है एरेवोरेस ठीक है तो उसको लेना है हेरेरा को लेना है एरि दोस्तों यहाँ पे हमें मोरालेस को ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पे हम पेरेस या तो फिर मरकाडो ट्राई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डोज को भी ड्रॉप करना पड़ेगा जेनोटो को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और कारोचो को भी करना पड़ेगा ठीक है तो सूरज को लेना पड़ेगा यहां पे सूरज है उसका दोस्तों पेराल्टा को लेना पड़ेगा अब आठ क्रेडिट बचा है तो एम को का लेना पड़ेगा लोर का भी काफी अच्छा ऑप्शन है पिछले गेम में दोस्तों शायद उसने सात पॉइंट सात रिबाउंड लिया था या तो फिर छह पॉइंट छह रिबाउंड लिया था और उसने शायद एक स्टील और एक ब्लॉक भी किया था ठीक है एक काफी अच्छा फॉर्म है लोरका का, का। तो दोस्तों अगर आपको अपनी टीम में रेवरस को लेना है तो परिव्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जहां पे स्टार प्लेयर की बात करूं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों रिवरस और वाइस कैप्टन सबसे नरहरा रख सकते हो या तो फिर सेंटर में जो आपको सूअरज दिख सकता है वो आप ले सकते हो ठीक है तो ये दो कॉम्बिनेशन दोस्तों हो गया उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे कारवा चो का है तो इसी में दोस्तों कारवा चो आप ले सकते हो तो आपको यहाँ पर रिवोरस की जगह कारवा चो लेना है तो ले सकते हो यहाँ पे लोर का जगह दोस्तों यहाँ पे कारवा चो आएगा फिर दोस्तों आपके पास टेन क्रेडिट बचे तो टेन क्रेडिट में दोस्तों सबसे पहले मरकाडो को निकाल देना है लोपेस को लेना है और ग्यारह पॉइंट पाएगा सा जा जा जाएगा ठीक है तो ये दोस्तों एक अच्छा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इसको भी आप ट्राई कर सकते हो ठीक है तो बाकी दोस्तों आगे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी फटाक से आपको ज्वाइन कर लेना है ठीक है तो बाय फ्रेंड्स हरे कृष्णा टेक केयर और हाँ दोस्तों स्टार और वाइस कैप्टन के, के बारे में बोलना भूल गया मैं दोस्तों अलग अलग टीम में अलग अलग स्टार प्लेयर वाइस कैप्टन ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन दोस्तों बेस्ट ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे रिवूरस है हरेरा है और यहाँ पे सोरेज है और यहाँ पे कारवाचो है ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे तो बाय बाय फ्रेंड्स हरे कृष्णा टेक केयर